लखीसराय में नशे के कारोबार पर पुलिस की बड़ी रेड हुई है। गांजा कारोबार को लेकर बिहार में सुर्खियां बटोर रहा लखीसराय जिले के जैतपुर गांव में एक बार फिर पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा की बड़ी खेप को जब्त किया है। बीते एक महीने की बात करें तो बरहिया पुलिस की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है जिसमें करोड़ों रुपये का गांजा जब्त किया गया है। आपको बता दें कि गांजा माफिया रोशन सिंह पुलिस गिरफ्त से अभी बाहर है। लखीसराय में दुर्गा पूजा और पंचायत चुनाव का माहौल है। गांजा कारोबार से जुड़े लोग इसी का फायदा उठाकर गांजा की बड़ी खेप को ट्रक के जरिए बरहिया के जैतपुर गांव में मंगाया था, लेकिन लखीसराय पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस गांजा की खेप को जब्त कर लिया। लखीसराय SP सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जैतपुर 83 टोला स्थित चिमनी पर गांजा तस्कर रोशन सिंह और प्रकाश महतो ट्रक से गांजा उतार रहा है। इसी सूचना पर बरहिया थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस 83 टोला पहुंची और छापेमारी शुरू कर दी। इस दौरान ट्रक में सब्जी में छिपाकर लाए गए 43 पैकेट गांजा पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस दौरान गांजा तस्कर रोशन सिंह का बाइक भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। जब्त गांजा की कीमत 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा बताई जा रही है। आपको बता दें कि बीते 12 सितंबर को भी बरहिया पुलिस ने जैतपुर गांव में छापेमारी कर 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा का गांजा बरामद किया है। नशे के इस बड़े सिंडिकेट के पीछे जैतपुर के ही कुख्यात रोशन सिंह का हाथ बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस कुख्यात रोशन सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सुनिए इस पूरे मामले पर लखीसराय SP सुशील कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। हमें सूचना थी हमारी टीम को कि कल रात में बाहर से नॉर्थ ईस्ट साइड से एक बड़ी खेप जो है गांजा की, जो गांजा तस्कर है रोशन सिंह, उसने मंगवाया है। हम लोगों के इस सूचना को वेरीफाई करने के लिए बढ़िया SHO के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी और उसके साथ में जो पदाधिकारी हैं उनको भी टैग किया गया था। और इसको करने के लिए जब जैतपुर में रोशन सिंह का जो चिमनी भट्टा है वहाँ पे जब टीम गई तो वहाँ पे 4-5 लोग, जिसमें रोशन सिंह खुद भी था, दिखा कि वो एक ट्रक है आयशर ट्रक, उससे कुछ सामान उतार रहा है। पुलिस को देखते ही ये चारों भागने लगे। पुलिस ने कोशिश की बहुत पकड़ने की उनको, लेकिन वो भागने में सफल रहे अंधेरा का फ़ायदा उठा के। जब तलाशी ली गई ट्रक की तो वो उसके ऊपर सब्जी लदी हुई थी और सब्जी के अंदर में लगभग 43 पैकेट गांजा था, जो लगभग 550 kg होता है, वो बरामद हुआ है। उसके अलावा एक मोटरसाइकिल भी, जो उनके अपराधियों के द्वारा यूज की जा रही थी, वो भी एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। तो ये इसमें हमारी DIO की टीम का बहुत सराहनीय योगदान रहा है। लगातार हम लोग ट्रैक कर रहे हैं सारे गांजा तस्कर और शराब तस्कर को, लगातार हम लोगों की कार्रवाई चली रही है जिला में। क्या कीमत होगा सर? कीमत का मुझे लगता है कि 70-80 लाख या 100-1 करोड़ के आसपास होना चाहिए। एग्जैक्टली तो मैं बता पाने में सक्षम नहीं हूँ। कब तक सर गांजा तस्कर गिरफ्तार होगा? देखिए, हम लोग आप जैसे देख रहे हैं कि हमारी कोशिश लगातार है गिरफ्तारी करने की और जो अवैध तरीके से बेची जा रही है उसको पकड़ने के लिए। इसमें हम पकड़ने में, गांजा को बरामद करने में सफल हुए हैं, कई बार हुए हैं। जो शराब, ये गांजा तस्कर है, हमारी कोशिश के बावजूद भी अभी तक नहीं पकड़ा गया है, लेकिन जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। इसी क्रम में, इसी बीच में हम लोगों ने लगभग जो ये शराब, ये गांजा तस्कर रोशन सिंह है, इसका सारा प्रॉपर्टी डिटेल हमारा हम लोगों ने निकाल लिया है। एक दो डॉक्यूमेंट बचा हुआ है, अगले हफ्ते हम लोग इसका ED में संपत्ति जब्ती के लिए प्रस्ताव भी भेजने के लिए, पूरी तरीके से हमारा सारा काम हो चुका है, अगले हफ्ते हम लोग भेज देंगे।